रविवार की रात आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत आश्रम मोड़ अवस्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ कुछ उपद्रवियों द्वारा बदसुलूकी और मारपीट की घटना के बाद से इलाके में था आतंक का माहौल। जबकि सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ घटना के आधार पर सोमवार को थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। देखिए इस पर क्या कहना है पेट्रोल पंप के कर्मचारी और INTTUC के नेता राजू अलवालिया का। वैसे कल ही हमको वहाँ से जो वेटनर के जितने कर्मी हैं वो लोग फोन किए थे, वो शिकायत किए हैं तो वहाँ पर कुछ लोग जो है जबरदस्ती पेट्रोल पंप में आकर रात के समय में गुंडागर्दी करते हैं और वहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ तक कि जो लड़कियाँ काम करती है उनको भी नहीं बख्शा जाता, उन पर भी हाथ लगा, उनको भी हाथ चला दिया जाता। तो ये सबसे पहली बात है कि जो भी हो, वो किसी भी तबके का लोग हो, बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह से जो लोग गरीब परिवार के लोग जो वहाँ पर पेट्रोल में काम करके अपना जीविका चलाते हैं उन पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे पहली बात है कि महामारी मानी से सरकार है और कोई भी अगर सोचेगा कि इस तरह से जुल्म करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इसकी शिकायत आज हमारे जिला सभापति माननीय अभिजीत घटक से की है और उनसे पूरा घटना विस्तारित बताया है। इस पर जो है हम लोग तुरंत एक्शन ले रहे हैं और जो भी इस घटना को अंजाम देगा उस पर हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई करवाएंगे और प्रशासन को इसके बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं और हम लोग नज़र रखेंगे कि आइंदा से वेटनर पेट्रोल पंप के जो कर्मी हैं उन पर किसी तरह का कोई जुल्म ना हो। और ये अगर कोई ऐसा अगर जुल्म करता है तो वो भूल जाए, उनको सोचना होगा कि यहाँ मामा डीमन उसकी सरकार है। अगर किसी तरह का कोई भी अगर किसी पर जाके कहीं पर कोई गुंडाई करेगा या उस पर जुल्म करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको उसका ठीक जवाब मिलेगा। ये वो कि हम लोग अपना नोजल में काम करते हैं, तेल देते समय अचानक वो लोग पूछने लगा कि हम पहले आए कि वो आए। हम सिर्फ यही बोले कि दादा कौन आया पहले, हम नहीं जानते। इतने पे वो लोग गाली देना चालू और हाँ उसके बाद वो लोग गए वहाँ से बुलाकर 15-20 आदमी लेकर आए और वो उन लोगों के साथ मिलकर मेरे को थप्पड़ थप्पड़ दर्दने लगा, मारने लगा और गाली वाली भी दी आप पर्सनल को। ये भी बोला कि ये पंप क्या तुम लोग चल रहा है, हम लोग चलाते हैं। इतना इतना घटना हम लोग साथ आइंदा ही होता है, ये एक बार नहीं हो चुका है, इन लोगों के साथ पहले भी हो चुका है इन लोगों के साथ भी। इसका कोई कंप्लेन हुआ अभी तक? कोई ऐसे इशू नहीं हुआ है। आप कंपनी के जो मालिक है वेटरन का वो उनको क्या कहना है? अभी तक सर से बात ही नहीं हुआ है, अभी सर से बात होगा तब कुछ हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। कितने से काम कर रहे हैं? 2 साल होने जाला। कल भी ये घटना हुआ, उसके बाद क्या बोलना चाहते हैं, इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं? ये बहुत दुखद बात है कि हर बार यहाँ पर कुछ लोग जो हैं अगल बगल के जो इस तरह का संतरास पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं और इससे जो है हमारी बिजनेस को काफ़ी आघात पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी घटना बेमतलब नहीं होना चाहिए और हम इसे ऊँचे हर दर्जा में जाके ऊपर इसका कंप्लेन करेंगे, इसकी ताकि ये आगे ना घटे इसके लिए हम प्रशासन के पास जाएंगे। सर पहले भी देखा है कि यहाँ पर एक पुलिस का पहरा रहता था? जी अभी वो नहीं, जो कल जो घटना हुआ उसको लेकर अभी तक आप लोग कुछ कंप्लेन नहीं किए? अभी भी कंप्लेन तो हुआ नहीं है लेकिन हम जरूर से उनके पास पहुँचेंगे। मैं बाहर था बोल के ये काम नहीं हो पाया लेकिन बहुत शीघ्र ये काम हो जाएगा। सर आपका नाम बताइए? मेरा नाम सुबीर शाह, मैं इस पेट्रोल पंप का ओनर हूँ। आसनसोल से वसीम खान की रिपोर्ट। एबार पूजो एक घोड़े घोड़े लाखोपति एम बाजार थे के मात्र 499 টাকার কেনাকাটা করে আপনিও নিন লাখপতি হওয়ার সুযোগ। 20 জানতে আসুন আমাদের নৈহাটি স্টোরে কিংবা ফোন করুন নিচে দেওয়া নম্বরে।
এম বাজার, আরসি মল, ঠাকুরপাড়া রোড, নৈহাটি।